हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फोन से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपको थंबनेल बनाने के लिए एक इमेज की जरूरत होती है। उस इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उस डिफिकल्ट को मैं आसान करने के लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ दो ट्रिक्स, जो आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल फोन से ही किसी भी इमेज का बैकग्राउंड को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए सर आपको क्रोम को ओपन करना होगा। मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। तो क्रोम ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। सर्च बार में टाइप करेंगे remove.pg। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। फर्स्ट वाला जो दिख रहा है remove.pg पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप जिस भी इमेज का बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, आपका जहां भी इमेज रखा हुआ उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट करता हूं। देखिए इस वाले इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूं। क्लिक करने के बाद ही तुरंत ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। HD क्वालिटी में ये डाउनलोड होगा। फुल इमेज यहाँ से डाउनलोड होगा, इसका थोड़ा सा क्वालिटी लो रहेगा। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ये देखिए डाउनलोड इमेज तुरंत हो जाता है, सेकेंड भी नहीं लगता। इसको ओपन करके देखते हैं, देखिए आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। सो गाइस, इस तरीके से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ये सेव भी हो चुका है। तो मैं गैलरी में चल के दिखाता हूँ कि ये इमेज कैसा दिखता है। गैलरी पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका इमेज यहाँ पे ओपन कर लीजिए। देखिए बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही किसी भी इमेज का बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस, मैं सेकेंड स्टेप बताता हूँ। दूसरे तरीके से भी आप इमेज का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। सर्च बार में टाइप करेंगे बैकग्राउंड इरेजर टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैंने पहले से ही बैकग्राउंड इरेजर को डाउनलोड कर लिया हूँ तो मैं इसको ओपन करता हूँ। बैकग्राउंड इरेजर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। लोडर फोटो पे क्लिक करेंगे तो मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। देख सकते हैं मेरी इमेज सिलेक्ट हो चुकी है। डन पे क्लिक करेंगे, ऑटो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद ये प्लस का जो आइकन है आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। डन पे क्लिक करेंगे, सेव कर लेंगे, गैलरी पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद कुछ इस तरीके से आपका इमेज दिखता है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी
इमेज का बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो काफी पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई कंफ्यूजन या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस तरीके का कंटेंट मैं बनाते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।